मैं भीम मिश्रा, विद्या क्वेश्चन बैंक से मैथ की तैयारी कैसे करें मैं आज फिर हाजिर हैं। समानांतर श्रेणी खत्म हो गया था, आज शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पहले जान लें, हिंदी में कहते हैं इसको त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब क्या होता है? तीन कोण। अब आपसे पूछता हूँ, तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। और मिति मतलब, त्रिकोण मतलब तीन कोण, थ्री एंगल, और मिति मतलब होता है आकृति, शेप, आकृति शेप। तीन कोणों वाली आकृति ट्रायंगल कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। इसको चाहे तो जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो भी अपना अध्ययन कर सकते हैं, कुछ जानकारी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ट्रायंगल हो गया। अब त्रिकोणमिति के अंतर्गत राइट ट्रायंगल के बारे में ज्यादा अध्ययन किया जाता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ओके, तो एक गणितज्ञ हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया, पाइथागोरस ने थ्योरम दिया, इन द एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपके तीन फार्मूला इन्होंने दिया है। अब ध्यान दें, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, थीटा कहते हैं इसको, थीटा कोण है। तो पहचानने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, कोई भी कोण हो उसके सामने की भुजा लंब होती है। ये कोण है, इसके सामने आप आइए, ये भुजा आई कि नहीं आई, ये हो गया लंब। और समकोण ये है, तो इसके सामने की भुजा ऑलवेज कर्ण होता है हाइपोटेनस, लंब होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो आधार कहलाता है बेस। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस ने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। अब यहां से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यह निकालने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब समकोण त्रिभुज फिर बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण है ही। यहां लिख देते हैं, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। जिस कोण का मान ज्ञात करना है, अब किस कोण का मान ज्ञात करना है अभी इसके आगे आएगा,
उसके सामने की भुजा लंब होती है। और तीसरा, जो बचा या जिस पर त्रिभुज टिका है वह आधार अर्थात बेस कहलाता है। जैसे ये इस पे टिका हुआ है, अभी हम ऐसे कर दें और थीटा इसको ले लेना, तब ये इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इसलिए कि अब त्रिभुज ये इस पे टिक गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए, तीन अनुपात होते हैं, रेशियो, लंब और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात। तीन अनुपात लिखिए यहां। पहला अनुपात है लंब और कर्ण का अनुपात, दूसरा अनुपात है आधार और कर्ण का अनुपात, तीसरा अनुपात है लंब और आधार का अनुपात। तो जो पहला अनुपात है लंब और कर्ण का अनुपात, इसको हम कहते हैं SINE, साइन, शॉर्ट में लिखते हैं साइन। क्योंकि यह थीटा है तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जो शॉर्ट में यह कहते हैं, जो आधार बटा कर्ण है उसको कहते हैं कोसाइन, साठ में कहते हैं COS। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा। और ये है, ये इसको हिंदी में कहते हैं ज्या, ये है कोज्या, और ये है टैंजेंट, स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या, जहाँ लंब और आधार स्पर्श करते हैं, जो मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं, स्पर्श ज्या है, उसको कहते हैं टैंजेंट, टैन थीटा, शॉर्ट में क्या कहते हैं, टैन थीटा। ये तीन अनुपात हैं। अब इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब बटा कर्ण है, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। ये कास है, इसका सेक थीटा, ये आधार बटा कर्ण है, इसका उल्टा होता है, ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और ये है कॉट, टैन का उल्टा होता है काट थीटा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। बात समझ में गया? ये तो आज इतना ही समझे, इसके आगे हम बताएंगे उल्टा में किसको क्या कहते हैं। इसको आप कई बार रिवीजन करें, स्टार्टिंग किए हैं, शुरुआत है, जल्दी समझ में आता नहीं है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो जल्दी हटता भी नहीं है। इसमें फार्मूला ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन ही फार्मूला है, आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो आज बस इतना ही, अब आज्ञा दें, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।